जादुई घड़ा। बहुत पुरानी बात है, राजस्थान के घुघरा गांव में चारों तरफ रेत ही रेत थी। पुष्पा की नई नई शादी हुई थी। बिना माँ बाप की शहरी बच्ची को घर वालों ने लाकर इस रेगिस्तान में ब्याह कर छुट्टी पाली थी। पुष्पा घर के काम निपटाकर पसीने से तर बतर हो गई थी। गर्मी में परेशान हो गई हूँ, ठंडा पानी भी नहीं नसीब होता। क्या मुसीबत है, सारे दिन गर्मी में पसीना बहाओ और पानी का कोई साधन ही नहीं। अम्मा, आज जाकर बदलू के यहाँ से नया घड़ा लेकर आती हूँ। बदलू तो आजकल बर्तन ही नहीं बनाता। आप कहें तो शाम को हाट से ले आऊं। हाँ जा ले आ, हम तो कितने सालों से इन्हीं घड़ों का पानी पीते हैं। अम्मा, ये घड़े पुराने होकर चिकने हो गए हैं ना, इसीलिए पानी बिल्कुल ठंडा नहीं होता। पुष्पा शाम को ही हाट से एक बड़ा घड़ा लेकर आती है। अरे बहू, पूरे गांव को पानी पिलाना है क्या? अम्मा, छोटा घड़ा था ही नहीं, आखिरी घड़ा था उसके पास, उसने उतने पैसे में ही दे दिया। पुष्पा 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी भरकर लाती थी। शाम को उसका पति सुंदर जब काम से लौट कर आता तो वो पानी भरने जाता था। पुष्पा पानी लाई और घड़े में डाल दिया। घड़े में से गुड़गुड़ आवाज आई और इतना बड़ा घड़ा एक छोटे से घड़े के पानी में ही पूरा लबालब भर गया। पुष्पा चौंक गई, वह घड़े में झांक झांक कर देखने लगी। अम्मा देखो तो, अजीब चमत्कार हो गया, एक छोटे से घड़े के पानी डालते ही ये इतना बड़ा घड़ा कैसे लबालब भर गया। बहू तू हट, जरा मैं भी तो देखूं। निर्मला ने बड़े घड़े से थोड़ा पानी निकालकर पतीले में डाल दिया, पर ये क्या, घड़े में से गुड़गुड़ की आवाज आई और वह फिर से लबालब भर गया। दोनों सास बहू एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अम्मा, मुझे तो लग रहा है ये घड़ा जादुई है। हाँ चलो, हमें कुछ दिन पानी लेने तो नहीं जाना होगा। पुष्पा ने पूरे दिन उसी घड़े से पानी निकाल निकाल कर काम किया, फिर भी वह खत्म नहीं हुआ, गुड़गुड़ आवाज करता और लबालब भर जाता। शाम को जब पुष्पा का पति सुंदर काम से वापस आया, सुनो हमारे पास तो जादुई घड़ा आ गया है, कितना भी पानी खर्चो खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों मजाक करती हो, थका हारा आया हूँ, कुछ खाने को दे दो, फिर तेरे लिए पानी भी ले आऊंगा। मैं सचमुच मजाक नहीं कर रही, पूछ लो अम्मा से। सुंदर, बहू ठीक कह रही है, तू खुद ही देख ले। सुंदर की सारी थकान छूमंतर हो गई। उसने जल्दी से घड़े से पानी निकालकर बाल्टी में भर दिया। उसी समय घड़े से गुड़गुड़ की आवाज आई और पूरा घड़ा लबालब भर गया। चलो अब कम से कम पानी लेने इतनी दूर तो नहीं जाना पड़ेगा, पानी भी कितना मीठा है। सुंदर और पुष्पा पानी लेने नहीं जाते थे। एक दिन पानी लेने जा रही उसकी पड़ोसन रूपा ने देखा पुष्पा आराम से अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई कुछ सिलाई का काम कर रही है। पुष्पा क्या बात है, आजकल पानी लेने नहीं जाती? हाँ भाई, अभी तो नई नवेली है, तेरा तो पति ही नहीं जाने देता होगा, खुद ही पानी भर कर रख जाता होगा। आओ बैठो, तुम भी मत जाओ, मैं तुम्हें पानी दे देती हूँ, उतनी देर बैठकर बातें ही करेंगे। पुष्पा ने उसके दोनों घड़े भर कर रख दिए। रूपा रोज ही आ जाती और पुष्पा के साथ बैठकर बातें करती। पुष्पा उसका घड़ा भरकर दे दिया करती। पुष्पा और सुंदर को भी पानी लाने की झंझट से मुक्ति मिल गई। सुंदर एक दिन काम से वापस आया। सुनो जी, हम क्यों ना इस घड़े का पानी बेचना शुरू कर दें? वाह रे पुष्पा, क्या अकल पाई है तूने? मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? हमें मजदूरी करने से बचा लिया, यहाँ हमारे गांव के लोग मीलों जाकर पानी लेते हैं। अगर मैं 5 रुपए प्रति घड़ा भी पानी बेचूंगा तो कितने पैसे कमा लूंगा। दूसरे दिन वह काम पर नहीं गया और घड़े से पानी ले जाकर उस रास्ते पर बैठ गया जहाँ से राहगीर अपने ऊँटों के साथ निकलते थे। धीरे धीरे उसका धंधा चल निकला, अब पैसे भी आने लगे। पुष्पा भी पानी खत्म होते ही भाग कर घड़े से पानी ले जाती। कुछ ही महीनों में उनके पास बहुत पैसा हो गया। सुंदर ने उसी जगह जमीन खरीद ली और उस पर घर भी बनवा लिया। कुछ दिनों के बाद
उसी रास्ते से एक बारात आई। सुंदर ने पूरी बारात वालों को पानी पिलाना शुरू किया। रेगिस्तान में एक गिलास पानी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तुम मुफ्त में सबको पानी बांट रहे हो। जी हुजूर, पानी पिलाना पुण्य का काम है, इसी बहाने थोड़ा पुण्य मैं भी कमा लूंगा, कब किसका आशीर्वाद मेरे लिए वरदान बन जाए। बड़े नेक विचार है तुम्हारे। सुंदर धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया, उसके पास काफी पैसा हो गया। अब सब लोग जान गए थे कि सुंदर के पास कोई जादुई घड़ा है। एक दिन उसके गांव में कुछ डाकू आए, धूल उड़ती देखकर सुंदर अपने घर के भीतर छुप गया। दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा तोड़कर सब अंदर जाते हैं तो वह गिलासों में पानी भरकर बैठा रहता है। तो तुम पानी पिलाकर हमसे छुटकारा पाना चाहते हो? नहीं मालिक, मेरी इतनी औकात कहाँ, मैंने सोचा आप सब लोग इतनी गर्मी में यहाँ तक आए हो, आपको पानी पिला दूं। अच्छा चलो पानी पिला दो। मैंने सुना है ये सबको पानी पिलाकर ही सेठ बन गया है, इसके पास कोई जादुई घड़ा है। कहाँ है तुम्हारा जादुई घड़ा, जरा हम भी तो देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सुंदर के घर डाकू आए हैं। डाकू घड़े के पास पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही घड़े को हाथ लगाया, घड़े में गुड़ गुड़ की आवाज आई और उबलता हुआ पानी सभी डाकुओं के ऊपर गिर गया। किसी के पैर जले, किसी का चेहरा झुलस गया और किसी के हाथ। सब लंगड़ाते चीखते हुए घर के बाहर भाग गए। भागो रे, जान बचाकर भागो। खौलते पानी की बौछार उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, जब तक कि वो घोड़े पर सवार नहीं हो गए। अरे पानी तो पीते जाओ। उनके जाने के बाद, सुंदर आज तुमने सारे गांव को बचा लिया। मैंने नहीं, मेरे जादुई घड़ा ने भाई। सुंदर के जादुई घड़े की चर्चा दूर तक हो गई थी, फिर किसी ने उसके घड़े को छूने का साहस नहीं किया। बेजू एक गरीब कुम्हार था। वो अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी झुमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी पुष्पा हमेशा बीमार रहती और बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे। बेजू मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी भी ऐसी कि किसी दिन बर्तन ना बिकता तो दाल रोटी भी नसीब ना होती। एक दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। झुमा अपने बगल वाले कमला काकी के यहाँ थोड़ा सा आटा मांगने गई तो उसने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पता नहीं कहाँ से गरीब भुकड़ आकर बस गए हैं, मेरे घर में आटा नहीं है। झुमा आंखों में आंसू लिए वापस आ गई। उस दिन बेजू देर तक सोया रहा, सुबह से ही उठने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने तो जाना ही था। वो हिम्मत करके उठा। जब मिट्टी लेने जाने लगा तब उसने अपनी बेटी झुमा से कहा, आज तुम हमारे साथ मिट्टी लाने में हमारी मदद कर दो, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। झुमा को बाहर जाकर पिता के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो अपने पिता के साथ मिट्टी लेने चली गई। हर जगह कंकरीली मिट्टी दिखाई पड़ रही थी। दोनों तालाब के किनारे से मिट्टी लेने के लिए सोचने लगे और वहाँ पहुँच गए। बेजू बैठकर सुस्ताने लगा। झुमा ने तालाब के स्वच्छ जल में हाथ मुंह धोया और उसके पास से मिट्टी खोदना शुरू ही किया था। थोड़ी मिट्टी खोद चुकी थी तभी तालाब में से एक कछुआ किनारे पर आकर छटपटाने लगा। वो किसी इंसान की तरह करहा रहा था। झुमा की नजर जैसे ही कछुए पर पड़ी, वो मिट्टी से सने हाथ लिए ही उसके पास भागी और उसको उठा लिया। उसने देखा कि उसके गर्दन में एक कांच का नुकीला टुकड़ा धंसा था और खून बह रहा था। उसने उसके गर्दन से कांच का टुकड़ा निकाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका खून साफ कर दिया। टुकड़ा निकलते ही कछुआ का करहाना और छटपटाना बंद हो गया।
झूमा उसको पानी में डालकर अपना काम करने लगी। तभी तालाब के पानी में थोड़ी हलचल हुई और एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। झूमा, तुम्हारे जैसी दयालु और मेहनती लड़की आज तक इस तालाब पर नहीं आई। मैं तालाब हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस तरह से कछुए का दुख दूर किया है, तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम इस तालाब में डुबकी लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। झूमा बड़ी हैरानी थी। झूमा ने डुबकी लगाई और बोली, इस तालाब के सारे जीव और मेरे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तथास्तु। वाह लड़की, यहाँ भी दूसरे की भलाई की ही सोची, अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। क्या करूँ, मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती है, मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरे बापू एक दिन भी बर्तन ना बनाए तो रोटी भी ना नसीब हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे करीबी है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम चिंता मत करो, घर जाओ, अब सो जाओ। अब से जो कुछ चाहिए तालाब में डुबकी लगाकर मांग लेना। पर ध्यान रखना, तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। झूमा ने बेजू से कहा, बापू जितनी मिट्टी खोदी है वही लेकर घर चलो, अभी मुझे खाना बनाना है। उसने मिट्टी का तसला सिर पर रख लिया और एक तसला बेजू के सिर पर रख दिया। फिर दोनों घर आ गए। झूमा घर आई तो देखा उसकी माँ खाना बनाकर घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी, नहा धोकर बैठी थी। अरे माँ, आज तो मोट गई। आज मैं आंखें बंद करके जब लेटी हुई थी तभी लगा कि किसी ने मेरे माथे पर हाथ लगाया। मेरी आंख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन तब से मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अरे भाई, सुबह से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर तालाब पर से लौटने के बाद ठीक हो गई। झूमा समझ गई कि जादुई तालाब का आशीर्वाद है। बड़ी खुशी खुशी नहा धोकर आई। सबने बहुत दिनों के बाद पुष्पा के हाथ का बना खाना खाया। उसकी माँ ने उसे एक भी काम नहीं करने दिया। झूमा बापू के साथ बर्तन बनाने लगी, पर वो जैसे ही मिट्टी हाथ में उठाती चाक अपने आप घूमने लगता और बढ़िया सा चांदी का बर्तन तैयार हो जाता। बेजू हैरान था कि झूमा तो हाथ में साधारण मिट्टी ले रही है, फिर ये चांदी के सुंदर बर्तन कैसे बना रही है। बेटी झूमा, ये सब क्या हो रहा है? बापू, जो हो रहा है होने दो, बस मुझसे कुछ मत पूछो। तुम ये चांदी के बर्तन बाजार में बेचकर पैसे ले आना। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। बेजू हैरान था, वो सोचने लगा, ये कोई जादू तो नहीं सीख गई है। एक दिन मिट्टी लेने वो अकेले उसी तालाब के पास चली गई। उसके वहाँ जाते ही ढेर सारे कछुए, मछलियाँ और मेढक तालाब से निकलकर बाहर आ गए। सबने उसे घेर लिया। झूमा बहुत खुश हुई। तभी एक कछुआ उसके पास आ गया। झूमा, सारे जीव तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक कछुआ उसके पास आ गया। उसने कछुआ को गोद में उठा लिया और उसको सहलाते हुए बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग ठीक हो ना? ऐसा लगा कि सबने एक साथ हाँ में शोर मचाया। झूमा मुस्कुराने लगी। क्या बात है झूमा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, पर सोचती हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरे माता पिता को फिर से साधारण मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाना होगा। जिस माता पिता की तुम्हारे जैसी बेटी हो उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती।
वो उठी तो देखा उसके मिट्टी के तसले भरे हुए थे। उसने तसला सिर पर उठा लिया और घर आकर मिट्टी आंगन में रख दी। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उसके घर अपने बेटे की शादी की मिठाइयां लेकर आई तो देखा झुमा चाक पर मिट्टी डाल रही है और बर्तन चांदी के निकल रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई। लेकिन वो बहुत चालाक औरत थी, उस समय तो कुछ ना बोली, परंतु उसने झुमा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब झुमा तालाब पर गई तो कमला भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। जब उसने देखा कि झुमा ने जैसे ही डुबकी लगाई सारे जीव उसके पास जमा हो गए और झुमा किसी से बात कर रही है पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। झुमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। उसने कहा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, हमारे पास था ही क्या। इतना सुनते ही कमला वहां से भागी हुई घर आ गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही तालाब पर जा पहुंची और तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और दाने निकल आए। वो घबरा कर रोने चिकने लगी। तभी तालाब में आवाज आई, कमला, जब तुम्हारे पड़ोसी दाने दाने को मोहताज थे तब तो तुम उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। आज उनका थोड़ा सा सुख भी तुमसे देखा नहीं जाता। उसका पीछा करती हुई यहाँ तक चली आई। कमला वहां से सीधे घर भागी। दूसरे दिन जब झुमा मिट्टी लेकर तालाब से आई और जैसे ही मिट्टी आंगन में पलटी तो देखा कि मिट्टी में ढेरों सोने के सिक्के थे। वो भागकर बेजू के पास गई और बोली, बापू, हमारे भाग्य खुल गए, ये देखो क्या है। उसकी माँ भी आई। दोनों ने जब अंगर में इतने सोने के सिक्के देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। तब झुमा ने उन्हें सारी बात बताई और भागती हुई तालाब के पास गई। डुबकी लगाते ही तालाब ने कहा, इतने दिनों से तुमने कुछ भी नहीं मांगा, अब जाओ सिक्के बेच कर अपनी सारी गरीबी दूर कर लो, कम पड़े तो तालाब में डुबकी लगा लेना। अब उनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। झुमा को जब पैसों की जरूरत होती तालाब में डुबकी लगा लेती। झुमा ने सबसे पहले तालाब के किनारे साफ सफाई करवा कर उसके चारों तरफ बाग बगीचे लगवा दिए थे। तालाब पर सभी लोग आने लगे और तालाब की रौनक बढ़ गई। कमला उनकी तरक्की देखकर कुड़ती रहती और अपना पूरा शरीर खुजलाती रहती। इसलिए कहा जाता है, धैर्य का फल मीठा और ईर्ष्या का फल कड़वा होता है।